स्टार किड तो आप हो ही, तो सलमान आमिर सब अपने बचपन के दोस्त हैं। दे ऑल आर माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आई नो ना, मैंने सुना है। कैसे थे बचपन में यार ये लोग, बताओ ना। सेम थे जैसे आज है वैसे ही है, देयर इज नो डिफरेंस। बचपन माने कब, टीनेजर फ्रेंड्स हो या उससे भी पहले? उससे भी पहले, लाइक आमिर्स मदर एंड माय मदर वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो जीनत आंटी एंड मम्मी, जीनत आंटी एंड मम्मी एक दूसरे को बचपन से जानते थे। डैडी न्यू सलीम अंकल्स फादर, तो सलमान के ग्रैंडफादर जो इंस्पेक्टर थे, तो डैडी उनको जानते थे इंदौर से। तो हम लोग सब बचपन से ही साथ में ही बड़े हुए हैं। बताओ कुछ इंसिडेंसेस यार बचपन वाले। बहुत सारे किस्से ना, मजेदार वाले। बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। मतलब एक क्रिकेट का बहुत फेमस किस्सा है, तब कयामत से कयामत तक लगी थी और मैंने प्यार किया लगने वाली थी। तो हम लोग क्रिकेट मैचेस बहुत खेलते थे, तो वी आर प्लेइंग विथ आमिर्स टीम। आप कौन सी टीम में थे? हमारे माइंड ब्लोइंग टीम थे। हमारी टीम का क्या नाम था पता है? कुत्ते 11। कुत्ते 11? हाँ, कुत्ते 11 वर्सेस आमिर खान 11। हाँ, बिकॉज वहाँ पे जब जाओ ना तो लाइन ये दिस एंड फलाना दैट, सोचा सबके इतने बड़े बड़े नाम, हम लोग क्या कुत्ते 11। तो इसे अनाउंसमेंट होता, आप आ रहे हैं, यू नो जूस है, लाइन रोरिंग वर्सेस को, ए नाम सही है क्या? कुत्ते 11, कुत्ते 11। हम लोग की टीम का नाम था कुत्ते 11। सो आई रिमेम्बर उस टाइम पे आमिर ने सलमान को आउट किया था। वो आमिर अच्छे बॉलर थे। हाँ, आमिर इज अ गुड बैट्समैन। आमिर ने सलमान को आउट किया था। सो अब मैं इसको आउट करके रहूंगा, देन सलमान गॉट हिज कैच। ओ अरे रिवेंज हो गया। पर दोनों के बीच में कंपटीशन था कि नहीं? दिल से बताओ, कयामत से कयामत तक मैंने प्यार किया, साइमल्टेनियसली कमिंग आउट, ये सब होने वाला था। हाँ, बट इट वाज ऑलवेज अ हेल्दी कंपटीशन। Even during Andaz, apna when I used to go there, there used to be so much fun because Aamir is very prim. I mean, proper samjha ke chalo na, take karo na yaar, khatam karo na, let's go home. And I was like, no, I have to do this, I have to do that. So, it was a fun banter between the two of them because uska kaam karne ka tarika alag hai, Salman ka kaam karne ka tarika alag hai. They are two different people, but aisa nahi ki dost nahi hai, sab dost hain, lekin ek professional rivalry hoti hai, ek cheeze hoti hain. And I think everybody was young that time. तो एक फेज, लाइक आई सेड, एक फेज है जो सब ने वो फेज किए हैं, सब वो फेज से निकल कर आए हैं, गलतियाँ किए हैं, मिस्टेक्स किए हैं। लाइक इवन शाहरुख, आई न्यू शाहरुख फ्रॉम द टाइम ही केम टू बॉम्बे। जब वो आया था मैं तब से उसको जानता हूँ। हम लोग कितना मिलते थे, कितना बैठते थे। कहाँ बैठते थे आप लोग? एट बैंड स्टैंड, वी यूज टू हैंग अराउंड ओवर देयर। देन आप शाहरुख यूज टू कम अलॉट टू सलमान हाउस ऑल्सो एट दैट टाइम, यू नो। ये कौन सा टाइम था? सी 80s में तो शाहरुख का जो बंगला है ना, खरीदने के पहले हम लोग सब वहाँ नीचे बैठा करते थे एट बैंड स्टैंड। कौन आप लोग वाले? एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, मी, माय ब्रदर, सलमान, अरबाज, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू हैंग अराउंड ओवर देयर ऑन दैट रोड एट बैंड स्टैंड। देन लेटर व्हेन शाहरुख बिकेम अ स्टार, व्हेन ही बॉट दिस बंगलो, एंड इवन व्हेन ही कम टू मुंबई दैट टाइम, सो आई हैव नोन हिम, मेट हिम देन, सो आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ वीडियो गेम्स विद हिम एट दैट टाइम। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। उसकी जितनी भी फिल्म थी ना, कभी हाँ कभी ना, एंड राजू बन गया जेंटलमैन, हम लोग फ्राइडे फर्स्ट शो आई टू ऑलवेज गो विथ हिम, हम लोग गेटी गैलेक्सी जाते थे, फिर चंदन जाते थे, फिर सत्यम जाते थे टाउन में। तो 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 हम लोग दोनों सारी फिल्में, सारे थिएटर, टिल बाजीगर, टिल डर, टिल द टाइम ही बिकेम अ सुपरस्टार। तो आप और शाहरुख ये सारे टाइम स्लॉट्स पे जाते थे वेरियस थिएटर्स? या या, आप ही दोनों थे? टू सी द रिएक्शन ऑफ द मूवीज के कैसे क्या हो रहा है। तो लोग शाहरुख को पहचानते थे? नहीं, क्वाइटली, क्वाइटली कि यहाँ देखा थोड़ा 15 मिनट, फिर वहां से वहां चले गए, गेटी गैलेक्सी चले गए, वहां से चंदन चले गए, चंदन से सत्यम टाउन में, था ना वर्ली में सत्यम, वी यूज्ड टू गो देयर टू सी द मूवीज। एंड आई रिमेम्बर जब डर आई थी तब पब्लिक पागल हो गई थी, एंड आई वाज लाइक शिट ये निकल गया अब, बिकॉज अब पब्लिक पागल हो गई। And it's the same thing when I meet him also today. It's the same thing. There is no difference ki Shahrukh Khan, no nothing. We meet normally, casually. Aao milo, bacche kaise hain, ghar pe kaise hain, kya hai? Everything normal. I keep meeting Salman very often. Aamir abhi recently mila tha. Aap mujhe batao, mujhe aur jaane. Kuch ek emotional moment batao na aapke Salman ke beech mein, aapke Aamir ke beech mein, Shahrukh ke beech mein, jo aap zindagi bhar kahenge kaise log hain, maza aa gaya bhai. So like I said, it has been a whole journey. It's been a very, very long journey for these people. Like I'm saying, when I had met last Aamir after Lal Singh Chadda, when the whole fiasco happened, I think he was very, very down.
एंड मैं भी अपनी शूटिंग खत्म करके देन वी सैट डाउन, सुबह के 2-3 बजे तक बैठे थे, बातें कर रहे थे, एंड ही हैड अ वेरी ओपन हार्ट कॉन्वर्जेशन विद मी, यू नो, कि ऐसा वैसा. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड आमिर, मैंने वही अपने फादर का एग्जाम्पल दिया, आई सेड वही मैंने एग्जाम्पल दिया कि डैडी को भी ऐसा लगा था एक टाइम के बाद, यू नो, एंड ही लेफ्ट द इंडस्ट्री. सो डोंट टेक इट, बट उन्होंने पर्सनली नहीं लिया था. नाउ आई थिंक ही इज कम आउट ऑफ दैट होल थिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, आई एम सो ग्लैड फॉर हिम दैट ही इज बैक टू वर्क, ही इज शूटिंग, ही इज प्रोड्यूसिंग, ही इज एक्टिंग, दैट्स व्हाट ही इज मेंट फॉर, ही इज ग्रेट. आमिर खान इज फैंटास्टिक, ही कैनॉट, ठीक है वो हुआ है, ही एडमिट्स इट नाउ. अभी रिसेंटली ऑन द इंटरव्यू सर के आई नो वॉट मिस्टेक्स आई मेड इन लाल सिंह चड्डा एंड वट एवर, बट दैट इज द बेस्ट वे टू कम आउट. And now he's back, he's shooting, he's starting films, and you know, you're going to see a better Aamir Khan. I'm sure, yaar, har insaan ko, jaise apne kaha, chat ke dauran, ek phase aayega, jab aap giroge, phir aap uthoge, phir giroge, phir uthoge. Wo to life bhar chalta rahega. Jab aapko laga ki aap tod phod kare, phatak kuch aata hai. Because God or life says, boss, yeh hi rahega to ye life nahi hai. ये रहेगा तभी लाइफ है, तो वो सिखाते ही रहते हैं आपको बीच बीच में. एक रेस्टोरेंट थी जूहू में जो सी फूड के लिए बहुत फेमस थी, ओके, मुझे याद है हम लोग वहाँ डिनर खा रहे थे, सलमान भी था, दिस इज आई एम सेइंग इन द लेट 90s अर्ली 2000s, जब उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जब मैंने प्यार किया, दिस मूवी एंड दैट मूवी, ऑल वर गोइंग, एक बात के बाद एक ड्रॉप आया उसका, यू नो, सो वी वर देयर. एंड वहाँ पे 2-3 यंग लड़के लड़कियाँ थी, एंड दे केम के ऑटोग्राफर, ए सलमान ऑर्डर, ए ऑर्डर, ए छोड़ना, फ्लॉप एक्टर्स का ऑटोग्राफ कहाँ ले रहा है, एंड दे पुल्ड. एंड ऐसा नहीं है कि उसने नहीं सुना, उसने सुना, हम सब ने सुना, यू नो, तब तो उसके बर्थडे पे कोई भी नहीं आता, एक फूल नहीं आता था. एंड नाउ 27th ऑफ डिसंबर इज अ सेलिब्रेशन. But Salman did not take that as a negative way. Na? Salman took that in a positive way. He came out stronger, he came out better, he came out bigger, and see where he has reached today. It is that determination, it is that drive that has brought him where he is today. It is that drive that got Shahrukh Khan that, no, I will rule, I want to. And he is there, Shahrukh Khan. You need to have that drive, that hunger. Mere mein nahi tha. Un mein tha. They made it. You need to have the drunk, but at the same time, they knew, Salman Khan knew, Shahrukh Khan knew, Aamir Khan knew, ki nahi, ye nahi, aisa nahi, I don't need. Salman ka ghar dekho, he's living in a 1 BHK. He's not living in a mansion, he's living, Shahrukh also bought the mansion after he became Shahrukh Khan. He was also living in a small house. Itna chota sa ghar hota tha Shahrukh ka, jab wo nahi nahi filmen karta tha. Matlab, darwaza rakhne ki bhi jagah nahi thi. Isi ghar ke piche jo uska purana ghar tha. Ye jo bangla hai, जिसमें अभी शाहरुख रह रहा है, उसके पीछे जो उसका घर था, इतना सा, ये आपका फिर भी इतना बड़ा, ये जो हॉल है ना, उतना ही छोटा उसका घर था. यहाँ पे गद्दा था, यहीं पे सोते थे, तो स्मॉल स्मॉल हाउस शाहरुख खान हैड फॉर सो मेनी इयर्स. देन ही वेंट टू कार्टर रोड एंड ही बॉट एन अपार्टमेंट ओवर देयर, वो भी एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट था. ये मैं बात कर रहा हूँ राजू बन गया, जेंटलमैन एंड दैट अदर मूवी दैट ही डिड, यू नो, सो दैट टाइम ही कुड हैव अफोर्डेड, बट ही डिड नॉट. ही न्यू कि ये मेरी ख्वाहिश तो ये है, बट जरूरत पहले पूरी करूंगा मैं अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ की, अपनी चीजों की. तो उसने वो मेंटेन किया, यू नो, ही डिडंट हैव बिग फैंसी कार्स, ही ड्रोव अराउंड अ नॉर्मल कार. जब वो शाहरुख खान बना, देन ही कुड अफोर्ड इट एंड इज लिविंग इट. तो सीखो ना, मैं यंगस्टर्स को बोलता हूं, इन लोगों से ये सीखो, ये मत बोलो कि वो लेट आता तो मैं भी लेट आऊंगा. कोई सुपरस्टार लेट नहीं आता बॉस, कोई सुपरस्टार लेट नहीं आता. सुपरस्टार अपने टाइम से आता है. जो ये लोग बोलते ना, वो तो 3 बजे आता है, वो तो 4 बजे, नहीं, वो अपने टाइम से आता है. आपके पास एक ही काम है, इसलिए आप बैठे हो 9 बजे से वेट कर रहे हो. वो लोग अलग स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं उनकी. रात को भी मीटिंग थी, लेट सोए, सुबह लेट उठे हैं, फिर 4 लोग आ गए, सर वो आया है, मीटिंग करना है. सो दे आर बिजी, दे आर नॉट सिटिंग इन द फोन, क्या करें आज, क्या करें अब. दे आर बिजी, दे आर कॉन्स्टेंटली बिजी.